बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत कसडोल के अंतर्गत आरआईएस विभाग द्वारा करोड़ों के भ्रष्टाचार किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि जब पूर्व पार्षद राजेश कन्नौज ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों को देखा, तब इस मामले का पूरा खुलासा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व पार्षद राजेश कन्नौज ने कहा कि एसडीओ अमर सिंह पैकरा का प्रमोशन हो जाने से कसडोल एसडीओ पद खाली हो गया है। इसी का फायदा उठाते हुए मुख्य कार्यपालन अभियंता अशोक दिबांगर ने जानबूझकर उच्च अधिकारियों की बिना जानकारी के एक जूनियर उपयंत्री दयानंद कोशले को कसडोल का प्रभार दे दिया और प्रभार लेते ही 8 से 10 साल पुराने रुके हुए फर्जी कार्यों को पूरा करते दिखाया है, मूल्यांकन कर दिया है और सिर्फ 3 से 4 माह में ही 7.79 करोड़ से अधिक के कार्यों का मूल्यांकन सत्यापन कर राशि आहरण कर ली गई है। आरईएस के द्वारा लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें ई देवांगन के द्वारा एक जूनियर इंजीनियर को कसडोल एसडीओ के पद पर नियुक्त कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें 10 वर्षों से रुके जो कार्य हैं उनको भी उनके द्वारा आकलन कर फर्जी तरीके से बिल बनाया गया है। मामला ऐसा है कि आरईएस से आरईएस और जनपद मिला के जनवरी से लगभग जुलाई तक 7.5 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें सारे काम हमारे द्वारा तो पूर्ण किए, हम तो फाइल में देखे हैं कि पूर्ण है, उसके बाद ही भुगतान किया गया। उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुराने पुराने कामों को पूर्ण किया, जो कि जांच का विषय और हमारे अनुसार निराधार है, क्योंकि हमने तो काम पूरा देख के ही उसका